हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे प्रखर बाबू क्लास ए सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 36 का सॉल्यूशन, जो कि पेज नंबर 94 पर स्थित है। इससे पहले हमने पेज नंबर 93 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 36 का सॉल्यूशन, जो कि पेज नंबर 94 पर स्थित है। यहाँ दे रखा है द लर्नर कैन यूज़ कंजक्शन टू जॉइन द सेंटेंस एंड बट बिकॉज। यहाँ भी हम सीखेंगे एंड बट बिकॉज का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को जोड़ना। इससे पहले की वर्कशीट में भी हमने यही सीखा था, यहाँ भी सीखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है राइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट कंजक्शन। हमें यहाँ राइट करना है सेंटेंस को यूजिंग करेक्ट जो कंजक्शन है उसका यूज़ करते हुए। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉन्ट टू हैव कॉफ़ी, आई वॉन्ट टू हैव टी। आई वॉन्ट टू हैव कॉफ़ी एंड टी, इसे क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे। आगे का सेंटेंस एक ही है, आई वॉन्ट टू हैव, तो इसे एक तरफ लिखा हुआ है, कॉफ़ी एंड टी ये एक तरफ लिख देंगे। यहाँ एंड कंजक्शन का यूज़ हुआ है, जहाँ जिसका अर्थ होता है और। फर्स्ट है आई एम नॉट हैप्पी, आई लॉस्ट दी मैच। यहाँ बिकॉज का यूज़ करना है, आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई लॉस्ट दी मैच। मैं दुखी नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, सॉरी, क्योंकि मैंने खो दिया या मैं हार गया मैच को, ठीक है। सेकंड है राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, इट इज़ रेनिंग। बट से जोड़ना है, राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल बट इट्स इट रेनिंग। राम को खेलना है फुटबॉल, बट किंतु क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो यहाँ बट का यूज़ हुआ है, जिसका अर्थ होता है किंतु या परंतु। थर्ड है सीमा इज़ गोइंग टू दी मार्केट, सपना इज़ गोइंग टू दी मार्केट, एंड से जोड़ना है, सीमा एंड सपना आर गोइंग टू दी मार्केट। बाकी का जो सब्जेक्ट के अलावा बाकी का सेंटेंस सेम है, सीमा एंड सपना दो हैं, तो यहाँ इसे एंड से जोड़ देंगे और पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे। फोर्थ है यू कैन ईट एप्पल, यू कैन ईट ऑरेंज। यहाँ लिखेंगे यू कैन ईट एप्पल और ऑरेंज। यहाँ और का यूज़ करना था, कंजक्शन जिसका अर्थ होता है या, तुम खा सकते हो एप्पल या ऑरेंज। फिफ्थ है माई ब्रदर इज़ यंग, माई फादर इज़ ओल्ड। यहाँ लिखा है बट से, तो यहाँ बट से जोड़ना है हमें, माई ब्रदर इज़ यंग बट माई फादर इज़ ओल्ड। मेरे ब्रदर यंग हैं बट मेरे फादर ओल्ड हैं। सिक्स्थ है आई लाइक टू रीड स्टोरीज, आई लाइक टू रीड नॉवल्स। यहाँ एंड से जोड़ना है, आई लाइक टू रीड स्टोरीज एंड नॉवल्स, मुझे पसंद है पढ़ना स्टोरीज और नॉवल्स को। सेवन्थ है वी कैन गो टू रांची बाय ट्रेन, वी कैन गो टू रांची बाय बस। यहाँ और से जोड़ेंगे, वी कैन गो टू रांची बाय ट्रेन और बस, या तो हम ट्रेन से जा सकते हैं रांची या बस से। एट है सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल, सिमरन प्लेड इन द रेन वाटर यस्टरडे। यहाँ इसे जोड़ना है बिकॉज के थ्रू, सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज शी प्लेड इन द रेन वाटर यस्टरडे। सिमरन को अच्छी फीलिंग, मतलब वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि वह खेली थी बारिश के पानी में कल, ठीक है। तो यहाँ यूज करा है क्योंकि के लिए बिकॉज। तो ये था वर्कशीट 36 का सॉल्यूशन, जो कि पेज नंबर 94 पर स्थित है। इससे आगे और भी वर्कशीट के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।